Hey guys, welcome back to my channel, Riddhi's Lok Life, myself Riddhi. और गाइस आज है सैटरडे और आज श्लोक की पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी. श्लोक और मम्मी गए थे स्कूल और मम्मी ने आपको स्कूल तो दिखाया ही होगा. हेलो, मैं हूँ रिद्धि, श्लोक की मम्मी. मैं आज श्लोक की स्कूल आई हूँ बसंत पलोटी में. आज पेरेंट्स मीटिंग है तो मैं आपको उसकी स्कूल दिखाती हूँ, ठीक है. श्लोक झूला झूल रहा है. आज श्लोक की स्कूल आई हूँ मैं. श्लोक की स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है. आपको मैं इसके स्कूल बाहर से दिखाती हूँ, कारण कि अंदर में जाने की एंट्री नहीं है. ये एंट्रेंस है स्कूल का. ये प्रीमाइसेस से बाहर का. ये गार्डन है. श्लोक झूला झूल रहा है. श्लोक खेल के कि पेरेंट्स मीटिंग से नाश्ते के बाद मिलते हैं. और साथ में श्लोक अभी घर पे आए, अभी सुबह घर पे आए थे. और आज पापा को उपवास भी है. पापा ने बोले कि आज मेरी फरमाइश से पालक पनीर बनाया जाए, तो मम्मी उसकी तैयारी कर रहे हैं. तो चले चल के देखते हैं. बने रहे हमारे साथ वीडियो के एंड तक. मम्मी क्या कर रहे? हेलो, नमस्कार, मैं हूँ रिद्धि, श्लोक की मम्मी. तो आज मैं बनाने वाली हूँ पालक पनीर. इसके पापा की रिक्वेस्ट है. आज नहीं, रिक्वेस्ट नहीं, फरमाइश है. यहाँ पे मम्मी ने रख दिए हैं गैस के ऊपर कढ़ाई फुल फ्लेम पे. यहाँ पे डाल दिया मम्मी ने ऑयल. मैंने भी तेल चढ़ा दी हूँ और ये गरम पानी में पनीर को भिगो के रखी हूँ. मतलब भिगो ही नहीं हूँ, धोई हूँ मतलब एक्चुअली, ताकि उसका चिकटपन निकल जाए. ये देखिए. इसमें डालने के लिए ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर की प्यूरी और ये है पालक की प्यूरी. इसको मैंने पानी में बॉईल करी हूँ पहले पालक को. उसके बाद में ठंडा होने के बाद में इसको मिक्सर में डाल के मिक्सर ग्राइंडर में पीस दिए. तेल गर्म हो चुका है. अभी हमने इसमें पनीर के टुकड़े डाले हैं. पनीर को हल्का हल्का ब्राउन होने तक के उसे फ्राई करना है तेल में और धीरे धीरे चलाएंगे हल्के हाथ से. फिर उसे अलग से एक प्लेट में निकाल लेना है. उसी तरह हमें बाकी पनीर के टुकड़ों को भी तलना है. उसी बचे हुए तेल में जिसमें हमने पनीर तले थे, उसी में हम सब्जी भी फ्राई करेंगे. तो पहले हम डालेंगे इसमें जीरा. जब जीरा तड़कने लग जाएगा अच्छे से, तो उसमें हम डालेंगे प्याज अदरक लहसुन की पेस्ट. उसको हल्का हल्का चलाना है धीरे धीरे, जब तक कि उसका कलर ब्राउन ना हो जाए, चेंज ना हो जाए. हमें उसे तेल में पकाते रहना है. इसमें नमक डाल रही मैं ताकि जल्दी पके. अदरक लहसुन का पेस्ट का कलर ब्राउन हो चुका है. अब हम उसमें डालेंगे मसाले. तो पहले हम डालेंगे हल्दी आधा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च ढाई चम्मच. मेरे यहाँ थोड़ा तीखा खाते हैं इसलिए मैं ढाई चम्मच डाल रही हूँ. आप अपने स्वाद अनुसार डालिए. एक चम्मच गरम मसाला, डेढ़ चम्मच मैं डालूंगी इसमें धनिया पाउडर और आखिरी में डालूंगी मैं
शीरा पाउडर। फिर हमें धीरे धीरे चलाना है, गैस की फ्लेम कम रखना है ताकि मसाला जले ना। उसमें थोड़ा पानी डालिएगा ताकि मसाला अच्छे से पके। उसको फिर धीरे धीरे हल्के हाथ से चलाइए, मसाला अच्छे से मिक्स हो जाने को ना। उसके बाद में हम डालेंगे टमाटर की प्यूरी। मैंने दो छोटी छोटी टमाटर की प्यूरी ली हूँ। टमाटर भी हमारे गार्डन के ही है, हाँ, तो इसे भी टमाटर को भी मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेना है पूरी तरह से, लम्स नहीं पड़ने को ना, अच्छे से मिला लेना है जब तक कि ग्रेवी तेल ना छोड़े। हम इसे कुछ देर के लिए ढक के रखेंगे ताकि टमाटर जल्दी पके। ग्रेवी बहुत अच्छी आ चुकी है, कलर बहुत अच्छा आ गया है, रेड हो गया है, ग्रेवी ने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे पालक की प्यूरी जो कि मैंने बॉईल करके रखी थी पहले से और उसको पीस के रखी थी। हम उसे मिक्स करेंगे धीरे धीरे ग्रेवी में। पालक को धीरे धीरे हल्के आंच चलाना है जब तक कि इसमें बुलबुले ना आए ग्रेवी में, तब तक कि पालक पकती नहीं है पूरी तरह से। तो इसे भी हम ढक के रखेंगे, इसे भी कुछ देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, इसे हमें हल्के आंच से चलाना है। हाँ, मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पनीर जो हमने तल के रखे थे। पनीर को भी हमें मसाले में अच्छी तरह से कोट कर लेना है ताकि ग्रेवी उसके अंदर तक जाए, अच्छे से उसको मिला लेने का है, ग्रेवी का स्वाद पनीर के अंदर आ सके। अब फिर हम उसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। हमारा पनीर पक चुका है पूरी तरह से। अब हम इसमें पानी डालेंगे क्योंकि ग्रेवी बहुत गाढ़ी है। पानी डाल के हम इसको मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम इसे कुछ देर के लिए फिर ढक के रखेंगे ताकि वो पानी भी अच्छी तरह से मसाले में मिक्स हो जाए। देखिए सब्जी पूरी तरह से पक चुकी है, बहुत ही अच्छा कलर आ गया है पालक पनीर का, बुलबुले भी छोड़ दिए सब्जी ने, मतलब पूरी तरह से पक चुकी है ग्रेवी पनीर साथ में, खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको चला लेने का है ताकि सब्जी नीचे से लगे ना। देखिए गाढ़ी ग्रेवी ना बहुत पतली है और ना ही बहुत गाढ़ी है। तो ये है पालक पनीर की सब्जी जो कि अभी बन चुकी है पूरी तरह से। अब इसके पापा को मैं सर्व करूंगी, आज उनका उपास है, उनका फेवरेट सब्जी है ये। देखते हैं स्वाद कैसा है। गैस को कर देंगे हम बंद। ये हमारी घर की स्पेशल चिपकी रोटी, देखो दो भाग में खुल जाएंगी, ये खाते हैं हम लोग स्पेशल, कभी कभी बनाती है तो ये। बाकी साथ में प्याज और अब इसकी बनाई हुई पालक पनीर की सब्जी देखो। पालक पनीर टेस्ट बताते हैं आपको कैसा टेस्ट। ये है पालक पनीर, देखने में तो अच्छी लग रही है, बनाई कैसी लगती है। बढ़िया, ऐसे रेसिपी बनाते रहो, हमको खिलाते रहो। बढ़िया बढ़िया, थैंक यू, बाय बाय। सो गाइस कैसा लगा आपको हमारा आज की रेसिपी जो मम्मी ने बनाए थे? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर जरूर कीजिएगा, इसमें हमें फॉलो जरूर कीजिएगा, तो क्रिएट क्या एंड बाय बाय।